दोस्तों गर्मी का टाइम है, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ह्यूमिडिटी भी बढ़ती जाएगी। इस समय अगर आप अपने आप को कूल ठंडा ठंडा रखना चाहते हैं तो दही आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। तो दही का सेवन आप गर्मी में कैसे खा सकते हैं, आप अलग अलग तरीकों से और दही के क्या फायदे होते हैं, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। दही में प्रोबायोटिक्स पाया जाता है जो कि आपकी जो इंटेस्टाइन है उसको हेल्दी रखने में बहुत फायदेमंद होता है। प्रोबायोटिक्स भोजन के पाचन में मदद भी करता है और पोषक तत्वों के जो एनालिसिस है उसमें भी सुधार करता है। ये गर्मियों में विशेष रूप से फायदेमंद होता है क्योंकि गर्मी और नमी के कारण आपकी जो अंदर की जो पाचन तंत्र होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। दही का नियमित सेवन करने से आपके इंटेस्टाइन में जो हानिकारक बैक्टीरिया, टॉक्सिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी उसका भी विकास होने से रोकते हैं, जिससे आपका कई बार आपने देखा होगा पेट फूलना, कब्ज या दस्त जैसी आपको प्रॉब्लम होती है, तब आप दही का सेवन ज़रूर कीजिए। सेकेंड, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम। दही प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, इसमें विटामिन B12 और D जैसे विटामिन होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को और उसके काम को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दही में प्रोबायोटिक्स एंटीबॉडी के उत्पादन को तेज करके और जो इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता होती है उसको बहुत ज़्यादा सुधार कर देता है। साथ ही में आप गर्मियों में जब ऐसी दही जैसी चीज़ें खाएंगे तो आपको गैस्ट्रो एंटराइटिस या फिर फूड पॉइजनिंग, ये सब जो इन्फेक्शन हैं इनसे आप बच पाएंगे। ऐसे में दही का सेवन आपके लिए बहुत फायदेमंद है, तो गर्मी में आप रोज़ाना एक कप दही ज़रूर खाएं। दही में ऐसी चीज़ें पाई जाती है जो आपके वजन को कम रखने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है क्योंकि ये एक ऐसा कैलोरी वाला भोजन है जो वजन को कम करने में मदद करता है। ये प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है जो आपके पेट को अधिक समय तक भरा रखने में मदद करता है और आपकी क्रेविंग को भी कम करता है। दही में मौजूद कैल्शियम पैराथायराइड हार्मोन नामक एक ऐसा हार्मोन होता है जो आपके वजन को कम करने में बेहद फायदेमंद है। इसके अलावा ये हड्डी के लिए बहुत फायदेमंद होती है। दही में कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है जो हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। मजबूत हड्डियों और दांतों के विकास के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। गर्मियों में जब डिहाइड्रेशन का खतरा अधिक होता है तो दही का सेवन आपकी बॉडी में कैल्शियम पोटाशियम जैसे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है अगर वो कम होते हैं तो उसको भी भरने में मदद करता है। इसके अलावा आपकी बॉडी में अगर कहीं सूजन है तो वो उसे भी कम करता है। क्यों? क्योंकि दही में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं। सूजन आपके इन्फेक्शन या चोट के वजह से कभी भी लग सकती है, लेकिन पुरानी सूजन अगर है जैसे कि आपको गठिया या हृदय रोग या फिर कैंसर जैसी कोई बीमारी रह चुकी है जिसकी वजह से कई बार आपको सूजन होती है, और अगर आप दही का सेवन करते हैं तो आपके जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको वो ठीक से काम करके आपकी सूजन को कम करने में बहुत मददगार होती है। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो एक नेचुरल एक्सफोलिएंट की तरह काम करता है। ये आपके स्किन से डेड स्किन हटाने का काम करता है और आपकी स्किन को हेल्दी भी बनाता है। इसमें विटामिन B12 और D जैसे विटामिन होते हैं जो आपकी स्किन को एनरिच करने में और ग्लो करने में मददगार साबित होते हैं। अगर आपको मुहांसे, काले दाग धब्बे ये सब प्रॉब्लम्स हैं तो दही का आप लेप भी अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। इसके अलावा वो तनाव और चिंता को कम करता है क्योंकि दही में ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड पाया जाता है जो आपके स्ट्रेस को दूर रखने का काम करता है। इसीलिए कहते हैं ना कि बस ठंडी लस्सी पी लीजिए गर्मी में और आपको आराम आ जाएगा। तो दोस्तों दही कितने रूप में फायदेमंद हो सकती है ये हमने आपको बताया। अगर आप भी रोजाना दही का सेवन नहीं करते तो अब से रोजाना दही का सेवन करना शुरू कर दीजिए, चाहे लस्सी के रूप में लीजिए या खाने के साथ एक कप दही जरूर लीजिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका फेवरेट व्यंजन क्या है दही के साथ। NBT लाइव को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें।